फिल्म हम आपके है कौन का जिक्र जब भी होता है तो दिमाग में एक परिवार की खुशी एकता नजर आती है। इस फिल्म का हर एक कलाकार किसी न किसी वजह से पेपर की हेडलाइन बन चुका है। सलमान खान जो आज भी इंडस्ट्री के बादशाह कहे जाते हैं, वो भी हिट एंड डन केस में बुरे फंस चुके हैं। माधुरी दीक्षित एक सफल एक्ट्रेस होने के बाद भी भारत को छोड़कर अमेरिका में बस गई थी। आलोक नाथ से तो मीटू कैंपेन की शुरुआत ही हुई थी। आलोक नाथ पर कई बार कई एक्ट्रेस ने कीचड़ फेंकी थी। आलोक नाथ पर कई एक्ट्रेस ने गलत काम करने का आरोप लगाया था। वही रीमा लागू, इनका तो नाम ही बस बचा है। एक्ट्रेस रीमा लागू आज दुनिया में जरूर नहीं है, लेकिन आज भी रीमा लागू अपनी फिल्मों से जिंदा है। एक तरह से उनके काम ने उन्हें अमर कर दिया। हम साथ साथ हम आपके हैं कौन जैसी 100 फिल्मों में काम कर चुकी रीमा लागू ने कई किरदार दमदार किए हैं, जिनके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। आज बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रीमा लागू की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 2017 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। रीमा लागू ने न केवल बॉलीवुड में बल्कि छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय का जादू बिखेरा था। एक्ट्रेस ने डेली सोप के अलावा मराठी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। हालांकि एक्ट्रेस आज भी फिल्मों में अपने माँ के किरदार को लेकर याद की जाती हैं। रीमा ने बॉलीवुड के उस दौरान में सफलता हासिल की जब माँ के किरदार को लेकर बस उदास रहने वाली और आंसू बहने वाली छवि गढ़ी जाती थी, लेकिन एक्ट्रेस ने इस मिथ्या को तोड़ते हुए जिंदा दिल और मुस्कुराती हुई आधुनिक माँ की नई छवि को दर्शकों के सामने पेश किया। माना जाता है कि रीमा ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की थी। कुछ साल मराठी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा का रुख किया। मराठी फिल्मों में काम करने के दौरान रीमा की मुलाकात मराठी एक्टर विवेक लागू से हुई। इसके बाद एक्ट्रेस ने उनसे शादी कर ली और लागू नाम को अपना लिया। रीमा और विवेक की एक बेहद प्यारी बेटी है जिसका नाम रणमयी लागू है। शादी के कुछ साल तक दोनों का रिश्ता तो काफी अच्छा चला, लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते में परेशानियों ने पनपना शुरू कर दिया। फिर कुछ साल बाद ही रीमा अपने पति विवेक से अलग हो गई। आपको बता दें, एक्ट्रेस रीमा ने मौत के कुछ घंटे पहले तक शूटिंग की थी। शूटिंग के बाद वो अपने घर आई और आधी रात में उनके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक्ट्रेस ने रास्ते में दम तोड़ दिया। रीमा ने अपने करियर में 95 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। भले ही एक्ट्रेस आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी दमदार अदाकारी ने आज भी उन्हें अमर किया हुआ है। अदा शर्मा की खबर ने फैंस को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। अदा शर्मा के फैंस ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक फिल्म करना उनके लिए मौत बन जाएगी। जब से अदा शर्मा ने द केरला स्टोरी किया, तब से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन अदा शर्मा फिर भी इन धमकियों को नजरअंदाज करती हुई आगे चलती ही जा रही थी। अदा शर्मा जब कल एक रैली में शामिल होने के लिए घर से निकली, तो उन्हें ये पता नहीं चला कि वो वापस आ भी पाएंगी कि नहीं। अदा शर्मा की कार से जोरदार टक्कर मारी गई। टक्कर इतनी तेज थी कि अदा शर्मा को पूरी तरह से निपटाने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान के आशीर्वाद ने इस खतरनाक एक्सीडेंट को भी टाल दिया। ये खतरनाक एक्सीडेंट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और वो बिल्कुल सही है। एक्सीडेंट के बाद अदा शर्मा ने पूरी सच्चाई बताई। अगर आज अदा शर्मा को कुछ हो जाता तो शायद उनके फैंस और उनके परिवार को ये राज भी कभी पता नहीं चल पाता। अदा शर्मा एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गई और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही उनके एक्सीडेंट की खबर सामने आई, लोग उनकी सलामती की दुआएं मांगने लगे और एक्ट्रेस को टैग करके उनके हाल जानने की कोशिश करने लगे। बाद में अदा शर्मा ने अपने हेल्थ अपडेट अपने फैंस को दिया, कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, किसी को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अदा शर्मा ने ये भी बताया कि उन्हें मारने की पूरी कोशिश की गई थी। अदा ने बताया कि उन्हें निपटाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गई। अदा शर्मा को द केरला स्टोरी को लेकर चल रहे विवादों के कारण जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी। द केरला स्टोरी राजनीतिक दलों और के एक वर्ग से प्रतिक्रिया का सामना कर रही है, जिन्होंने दावा किया है कि फिल्म फैक्ट्स पर आधारित नहीं और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत का बढ़ावा देती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य में द केरला स्टोरी पर बैन लगाने की घोषणा की थी। अदा शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी पूरी टीम, हम सभी पूरी तरह से ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन आप सभी के फिक्र के लिए शुक्रिया। बता दें, अदा शर्मा को द केरला स्टोरी को लेकर चल रहे विवादों से जान से मारने की धमकियों से लोग तंग आ गए थे और उनके लिए लगातार दुआएं हो रही थी। लव जिहाद जैसे मुद्दों पर बात करती है फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसे अब तक कई राज्यों में बैन किया जा चुका है। फिल्म को एक तरह से जहां कई राज्यों में बैन किया जा चुका है, वहीं भारतीय
भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफी सराहा गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने एक भाषण में इस फिल्म का जिक्र करते दिखाई दिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य एक्ट्रेस सदा शर्मा और पूरी फिल्म की टीम से भी मिले। बता दें फिल्म की एक मुस्लिम सिंगर को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। परिणीति राघव की सगाई सेरेमनी के फंक्शन में भरी महफिल में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को शर्मिंदा होना पड़ा। अपनी गलती की वजह से दिल्ली सीएम केजरीवाल से माफी मांगनी पड़ी। पहले ही फंक्शन में नए जीजू के सामने गलती हो गई प्रियंका से। शर्म के मारे प्रियंका पानी पानी हो गई और नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। बहन की सगाई में प्रियंका चोपड़ा सीधे अमेरिका से कल दिल्ली आए और यहाँ इन्होंने रेड कार्पेट पे येलो साड़ी में खूब जलवा बिखेरा। सब प्रियंका के लुक की तारीफ करते दिखाई दिए। हर किसी का ध्यान परिणीति राघव से हटकर प्रियंका पर ही जा रहा था। हर किसी की नजरें प्रियंका को ही ढूंढ रही थी, साथ ही उनके पति नेक जोनास और बेटी मालती को भी ढूंढ रही थी। प्रियंका कल वाली पार्टी में सबको जवाब देते देते थक गई कि नेक जोनास काम की वजह से आ नहीं पाए। पति की वजह से प्रियंका चोपड़ा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब प्रियंका चोपड़ा के घर का फंक्शन था, कोई ऐसी वैसी पार्टी या फिर आम फंक्शन तो था नहीं। ऐसे में घर के दामाद यानी नेक जोनास का होना बहुत जरूरी बताया जा रहा था, लेकिन ना जाने नेक जोनास क्यों नहीं आ पाए। माना कि नेक जोनास फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो किसी न किसी फिल्म की वजह से परिणीति की सगाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाए होंगे, लेकिन ये बात लोगों को कहां समझ आती है। वैसे तो प्रियंका भी काम के बीच में ही एक दिन में ही दिल्ली आई और चली भी गई। अगर आना चाहते तो नेक जोनास भी आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। क्या वजह रही होगी वो तो वही जाने। हर कोई नेक जोनास के बारे में सवाल पूछता दिखा और प्रियंका को उसका जवाब देना पड़ा। प्रियंका सबको रीजन बता रही थी, लेकिन जब सीएम केजरीवाल ने प्रियंका से बात की तो कुछ ऐसा हुआ कि वीडियो देखकर दिल खुश हो जाएगा। सीएम केजरीवाल ने पहले तो प्रियंका को धन्यवाद कहा कि मुझे आपके दर्शन हुए, मैं बहुत खुश हूँ। वो इसलिए कि वो अमेरिका जैसे शहर से एक दिन में काम छोड़कर आई और उनके काम की तारीफ की, सम्मान किया। सीएम केजरीवाल की इतनी तारीफ के बाद प्रियंका फूले नहीं समा रही थी। हाथ जोड़कर बोलती हैं कि आपने तो मेरी तारीफ में कोई शब्द बाकी नहीं रखे। वहाँ मौजूद लोग हंसने लगे और फिर जब केजरीवाल ने हंसते हुए कहा कि अगर हमारे विदेशी दामाद जी भी आ जाते तो हमें उनसे मिलकर अच्छा लगता। इस जवाब के बाद प्रियंका की नजरें झुक गईं और वो मुस्कुराते हुए बोली कि मैं कोशिश करूंगी कि अगले प्रोग्राम में आपकी मुलाकात नेक जोनास से हो सके। और ये मजाक यहीं खत्म नहीं हुआ। इस पार्टी में सिर्फ नेक जोनास पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि प्रियंका की माँ मधु चोपड़ा को लेकर भी बवाल हो गया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि घर के फंक्शन में मधु चोपड़ा तो शामिल भी नहीं हुई, उन्हें इन्विटेशन तक नहीं भेजा गया। कई मीडिया पर्सन ने जब प्रियंका से उनकी माँ मधु चोपड़ा के बारे में सवाल पूछा तो प्रियंका चुप्पी साध कर सीधे निकल गई। अब इसके पीछे भी कोई बड़ा राज हो सकता। वैसे कहा जा रहा है कि मधु चोपड़ा इस रिश्ते से खुश नहीं है।